आयोग के लिए हमने अलग से कार्यालय की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, जी फिर भी ये जो आयुक्त सामाजिक न्याय है जी इनके कार्यालय में आकर के हम बैठते हैं जी और छुटपुट जो काम हो सकता है वो काम तो हमने प्रारंभ कर दिया है। जी लेकिन एक जिसको कहना चाहिए कि पूरे जोर शोर के साथ जो काम करने वाली बात है जी, तो हम ये प्रयास में है कि अगले 10-12 दिनों में जी पूरे जोर शोर के साथ काम चालू हो जाए। सर श्यामला हिल्स पे आपने अभी कुछ भवन देखे हैं, उनमें से कुछ का हमारी कमजोरी यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमको वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल इसके आसपास अगर मिले तो वहाँ क्या है कि वहाँ शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के अलावा आम जनता का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसा लगता है आपको जो बनाया गया है गठन इसमें सभी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बहुत परेशान है अपने पालन पोषण को लेकर, तो उनका पूरा उनको न्याय मिल पाए। तो सर किस किस तरह की समस्याओं का मतलब किस किस तरह की समस्याएं लेकर बुजुर्ग आप तक आ सकते हैं? वृद्धजन आयोग का जो गठन हुआ है, वृद्ध की जो भी समस्या है उस समस्या की कोई परिभाषा नहीं दी गई है जी। इसका मतलब है कि सभी प्रकार की समस्या इसे कवर है। लेकिन मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं आपको, ये जो आयोग बना है जी, इस आयोग को जो काम शासन ने सौंपा है वो मुख्य रूप से इस बात के लिए जवाबदार है कि शासन की आज के वृद्धों की क्या समस्याएं हैं, समस्याएं चिन्हित करें, उन चिन्हित समस्याओं के निराकरण के लिए क्या शासन की नीति होनी चाहिए, रिड्रेसल के लिए उसके निराकरण के लिए क्या कोशिशें शासन के स्तर पर होनी चाहिए, ये मुझे प्रतिवेदन शासन को देना है जी। तो ये विभागवार भी होगा क्योंकि तो वृद्ध के अंदर महिला भी है, वृद्ध के अंदर पुरुष भी आते हैं जी, जी। उसमें ट्राइबल भी आते हैं जी, जी। उसमें पेंशनर भी आते हैं सरकारी जी। लेकिन जो ये सरकारी लोग हैं ये तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बेचारा जो ट्राइबल हमारे गांव के अंदर बैठा हुआ है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, लेबर भी है जी। तो जितने विभाग है शासन के उन सभी में कहीं ना कहीं वृद्धों से संबंधित समस्याएं जुड़ी हुई हैं।